छोटा छोटा सा था सांप। तो ये ख्वाजा सरा था, इसे घर से निकाल दिया गया। क्यों ख्वाजा सरा इंसान नहीं होते? नहीं यहाँ पे इसने समझते एक काम ही में हमारे साथ जिन्होंने तावुन किया है, अल्लाह पाक उनका दिया हुआ अपनी राह में कबूल फरमाए। बुशरा बेगम जौजा अब्दुल लतीफ मरहूम बराए अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद और राबिया आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम एक ऐसे बंदे के साथ मौजूद हैं कि जो ख्वाजा सरा है। ख्वाजा सरा के बाद इस बेचारे की टांग जो है वो बुरे तरीके से उसमें फ्रैक्चर है और उसके अंदर रॉड वगैरह लगा हुआ है कोई, जो तकरीबन काफ़ी अरसे से जो इसकी टांग में है वो लगा हुआ है। और आज तक इस जैसे मैंने इसकी कहानी सुनी है, आज तक इसने जितना भी कमाया है इससे दुनिया ने खाया है, दुनिया ने लूटा है। तो बाकी इसकी ज़िंदगी की जो आप बीती है वो वीडियो में आगे चल के हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल हम आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाना चाहेंगे और यहाँ पर यह भी मैं कह दूँ कि अगर कोई अगला क्लिप ना देखना चाहे तो ना देखे, क्योंकि अगले क्लिप में इसका जो जख्म है टांग का वो हम आपको दिखाएंगे। बड़े दिल वाला लाजमी देखे, ये आपको पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका हैंड पंप लग रहा है जो वीडियो में आगे आपको दिखाया जाएगा। और अभी जो है ना हम इसके ये फ्रैक्चर जो है वो देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में है। और क्या है दिखा अजमल? अल्लाह अकबर, बाकी इसकी लाइफ की जो आप बीती है वो वीडियो में आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। और ये देखें कि इसकी टांग में ये रॉड लगा हुआ है। इलाज तक के मेरे ख्याल में इसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये मुझे जो है ना इसका पता नहीं था कि इसका घर यहाँ पर है। मुझे कल जो है ना ये आया है मेरे पास तो मुझे पता चला है, तो मैं आज सुबह सुबह ही इसके पास आया हूँ। और टाइम भी आपके सामने है कि 9:30 है, लेकिन मैंने सुबह सुबह इसके पास आना पहले अपना फर्ज समझा। अच्छा ए दसा, ए रॉड जो पता खड़े हूँ इनका इलाज? इलाज रॉड बाहर कटवे से पैसा इन्हें वास्ते कितना पैसा लग से? कोई तक राड कढ़ा दे बाहर तेरा इलाज करावे था करवे से? हाँ घर यो ही यह है खाट पकेना शकेना कौन है? रोटी मनी मैं आप पकाई हूँ। आप पके नहीं? हाँ। अच्छा और कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? त्राय भिरा है न। अच्छा त्राय भिरा है से पांच भेनियां ते भावे सात भेनियां। पांच माँ मर गई है। माँ नहीं है, पांच तीन भाई हैं। हाँ। पांच बहने हैं। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताएं कि आप यहाँ पर अकेले क्यों रहते हैं? यहाँ पर अपने माँ अपने बहन भाइयों के साथ क्यों नहीं रहते? उन्हें नल क्यों नहीं विरांदा भेनी बिरावे नल या नहीं रहा देंदे? नहीं रहा देंदे छोटा सा बच्चा था तो उस दिन से कह रहा है कि ये ख्वाजा सरा है, तो उस दिन से इसको जो है ना घर से
ये इलाके वाली कुछ औरतें बैकग्राउंड से बता रही हैं कि छोटा था तो ये ख्वाजा सरा था, इसे घर से निकाल दिया गया। क्यों, ख्वाजा सरा इंसान नहीं होते? नहीं, यहाँ पे समझते ही नहीं है, क्या करें। ख्वाजा सरा इंसान नहीं होते, ये इंसान नहीं है। इंसान होते हैं, सब होते, लेकिन समझने वाला समझे तो सही, क्या कहें अब यहाँ पर इनके वालदैन को। अच्छा वाला हूँ अपना मांग पेन आते अपना रोटी मानी पके नी अपना खमदी नल का ते रहा नल का कहना पानी की तो भरम ना तेरे मेरे पास भरा कई भराने ना कई कोई भरने देता था कोई नहीं भरने देता था पांव के वजह से वो नफरत करते थे क्या चल लेना था वाला खा उठाई धो देखते नफरत करने बैकग्राउंड से कुछ लेडीज भी कह रही हैं कि इसके पांव को देख के लोग जो है ना इससे नफरत करते हैं तो नफरत नहीं करनी चाहिए वो भी इंसान है इसकी हालांकि देखभाल होनी चाहिए पूरी तरह। अच्छा तो मंगन कितना कितना परे वे नहीं कितनी कितनी दूर जाते हो मांगने के लिए पैदल जाते हो चल सकते हो मतलब इस टांग के साथ तोड़ सकनी सही तकलीफ का नहीं थी दर्द दर्द होता है गोलियां खाते इसका तो इलाज होगा पूरे तरीके से। घर में कहता है कि मैं कलंदर का फकीर हूँ। कलंदर का फकीर है शहबाज कलंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका हैंड पंप है वो यहाँ पर आज इंस्टॉल हो रहा है और अगर यहाँ से दिखाऊँ तो सामने इसका ये घर है और दीवारें जैसे मैंने आपको दिखाई हैं कि हैं नहीं और इस नेक काम में हमारे साथ जिन्होंने तावुन किया है अल्लाह पाक उनका दिया हुआ अपनी राह में कबूल फरमाए बुशरा बेगम जोजा अब्दुल लतीफ मरहूम बराई साले सवाब ए मई तक लवा तरस न कहें वास्ते दुआ मांग पहले दुआ ये जिसने लगवा के दिया उसके लिए दुआ करो उना दे माफी वास्ते दुआ करें अल्लाह ताला उना को जन्नत नसीब करे आमीन। तमाम उम्मत मुस्लिमा जो इस दुनिया से जा चुकी है अल्लाह पाक सबकी मगफिरत फरमाए और सबके दर्जात बुलंद फरमाए आमीन 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 आमीन। कह रहा है कि अल्लाह पाक और मौला हुसैन जन्नत में लेके जाए आपके वालदैन को सिस्टर आमीन। हमने ख्वाजा सरा से दुआ की अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल करे और आपके वालदैन की बहुत बहुत मगफिरत फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें बेहिसाब मगफिरत फरमाए जन्नत में जगह दे तमाम उम्मे मुसलमान को जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम मांगेंगे आपसे इजाज़त हमें दीजिएगा इजाजत किसी अच्छे किसी जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें इसी तरह किसी और निडर फैमिली के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे हमें दीजिएगा ज्यादा दुआ में रखिएगा याद अल्लाह हाफिज अल्लाह निगेबान आमीन 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 आमीन। आमीन 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 आमीन। कह रहे कि अल्लाह बेटा देगा तुम्हें आमीन आमीन आमीन।